भाई एक एडवाइस है, अगर मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ रहे हो, मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ रहे हो, सबसे पहला वाला ढाबा है जहाँ पे, इसीलिए भीड़ है, सारी गाड़ियां वाले काफी सारी खड़ी यहाँ पे। भाई एक बात है, पूरे के पूरे हाईवे में ना बंदा ना बंदे की जान, मतलब बंदा पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा चलते चलते। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, मैं हूँ, पीछे जतिन है, आयुष है, हाय। ये थक गए व्लॉग में आते आते। वो दो लड़के बाहर है हमारे, एक सल्लू और शंकी। प्लीज वेयर द सीट बेल्ट सर। सीट बेल्ट तो पहनी हुई है भाई। कहाँ गया? साढ़े 12 घंटे का रास्ता है, तो डायरेक्ट 763 किलोमीटर की ड्राइविंग है, हम स्ट्रेट वहीं जाएंगे। अरे यार, ये पीछे गाड़ी वाले आ रहे हैं भाई, पीटीएम भी अटक गया, ऐसे ड्राइवर है पता नहीं यार बग्गे क्या अटक गया भाई। सेम जो है फिलहाल अभी भाई 12 घंटे 26 मिनट का रास्ता है, 763 किलोमीटर और हम पहुंचेंगे। क्या अटक गया था बग्गे? अरे उसका वही नहीं आ रहा था भाई। 10:53 AM पहुंचेंगे हम कल। तो दोनों ये भी आ गए, बग्गा और सल्लू, ये भी आ गए, अब चल रहे फटाफट भाई। फिलहाल हम लोग फरीदाबाद पहुंच चुके हैं, ये लोग सामान लेने गए हैं कुछ, और हम वेट कर रहे हैं पिछले 2-4 मिनट से। 6 बजने को है, हम निकले कितने बजे थे? 3 बजे 4 भाई, 4 बजे करीब निकले थे यार। बड़ा टाइम लग गया हमें, 2 घंटे में हम फरीदाबाद पहुँच रहे हैं, तो बस देख लो 2 घंटे में फरीदाबाद ही पहुंचे। ट्रैफिक था बीच में काफी। टिक्की खाने रुके हैं, और ये जो कलम आते हैं हमारे वकील साहब की है, क्योंकि भाई 6:39 हो गया, ऐसे तो हम 2 दिन में पहुंचेंगे फरीदाबाद में। इंडस्ट्रियल एरिया में घूम रहे हैं, है क्या बनवाए गए तो बताओ। मिल्क शेक नहीं, ये क्या है? फलूदा, रबड़ी फलूदा होगा फिर ये, क्योंकि इसमें वो तो है नहीं फलूदे के, फलूदे के मटेरियल। ये है क्या फलूदा? सही हो रहा है, लेकिन बढ़िया है चीज। टिक्की भी अच्छी थी, टेस्टी थी भाई। कभी भी आना ना सीकरी सेंटर हॉस्पिटल, इसके पास आया ना, बढ़िया है, टेस्ट है। पानी नहीं है? पानी है रहता गाड़ी में, पंखे वाली है ना बोतल। चलो भाई खा लिया, अब फटाफट चल रहे हैं। भाई ये मेरे को लग रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो है उस पे आ गए, एक्सप्रेस वे पे। कोई लगना पे भाई क्या हो गया, ये चलाना इसको। और मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है, लेकिन वो तो ज्यादा लाइन का था ना भाई, वो आगे अभी ये वो नहीं है, वो N4 है, वही करेक्ट करेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि 3 लेन्स का है, वो 6 लेन्स है भाई, वही लग रहा। देख दो सर अलवा और वडोदरा, वडोदरा भाई 6665 बहुत बढ़िया। फर्स्ट टोल आ गया भाई, फर्स्ट टोल है ये, मुंबई वाला ही लग रहा है भाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मुंबई वाला ही है, पूछ लेते हैं इससे भाई से। भाई पूरा का पूरा रोड ना बंदा ना बंदे की जात, मतलब गाड़ियां भी बहुत कम है फिलहाल इसमें, लेकिन ट्रैफिक में सीरियसली मैंने बहुत कम है ना, कंपैरेटिवली ट्रैफिक भी कम है भाई। जितना हरिद्वार वाले एक्सप्रेस वे पे उसमें तो भाई दुनिया भर का ट्रैफिक मिलता है, यहाँ देखो बहुत कम है, वो दो चार गाड़ियाँ दिख रही हैं और बहुत ही खाली है, बहुत ही खाली। 100 पे चला रहे हैं आराम से गाड़ी को, छुट्टियों के दिन भी आने वाले। मुंबई 1196 किलोमीटर ओनली रेस्ट एंड सर्विस भाई, ये लिखा तो है इसमें CNG होगी नहीं होगी पता नहीं, पेट्रोल का तो भरा है, चेक करें 5 किलोमीटर है, चेक कर लेंगे कोई नहीं, उनसे पूछ भी लेंगे। एग्जिट आ गया है, यहाँ पे एग्जिट है, इसमें एग्जिट लेके एक बार देखते हैं, CNG है नहीं है क्योंकि पेट्रोल पंप का निशान तो दिखा रहा था। भाई किसका पानी गर्म हो रहा है भाई, हद हो गई यार तुम लोगों के तो भाई, ये तो हॉल्ट आ तो रहा है बट लेकिन कुछ है भी यहाँ। पेट्रोल पंप आगे है 30 किलोमीटर आगे, 30 किलोमीटर आगे भाई हॉल्ट बन रहा है, और यहाँ पे लोग शराब पी रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पोपट कटा है, मैं सबसे पहला वाला ढाबा है जहाँ पे, इसीलिए भीड़ है, सारी गाड़ियाँ वाले काफी सारी खड़ी यहाँ पे। कमिंग सून भाई, इसमें भी कमिंग सून काफी सारी है। हाँ क्या करना है, चेक करना है खाना, कुछ भूख लग रही है, चेक कर लेते पानी वाली ले लेंगे, चेक कर लेते भाई। भाई एक बात है, पूरे के पूरे हाईवे में ना बंदा ना बंदे की जान, मतलब बंदा पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा चलते चलते। 100 पे 100 120 में भगाते रहो बस, गाड़ी चला चला के थक गया मैं तो। सोता हुआ आ रहा था क्या? लेते भी लेते हैं। अबे कहाँ जा रहे हैं?
मम्मी अगर देख रही है व्लॉग तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं दोनों। बैगी बैगी अबे अपने वाले ही है। नहीं नहीं अबे कोई और है तो कोई और है। वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? फिर हम दोनों ने हमने ये ले लिया चॉकलेट और ये। अच्छा क्लियर। और ये तेरे भाई की पसंद है लेकिन ये गाड़ी है। गाड़ी बहुत जबरदस्त गाड़ी है यार। ये गाड़ी चला के हाँ थक गया ये भाई, बहुत थक गया। पीछे ऐसे करके लेटा होता ऐसे लाश बना हुआ था भाई। दोबारा से स्टार्ट कर दिए जर्नी और यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है मुंबई जो है अभी भी 1100 किलोमीटर है। 11 से नीचे से नीचे नहीं हो रहा भाई, ये 1100 किलोमीटर से नीचे नहीं हो रहा सही में यार। लेकिन अब 1106 रह गया सिर्फ भाई। एक एडवाइस है, अगर मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ रहे हो मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ रहे हो तो भाई पहले से ही अपना पेट्रोल सीएनजी जो भी हो भर के लाना, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पेट्रोल मिलेगा और ना ही सीएनजी। तो दूर की बात है, पेट्रोल पंप भी जितने भी दिखा रहा है ना वो सारे बंद है, अभी चालू नहीं हुए। और काफी बाकी खाने पीने के लिए तो मिल जाएगा बट बेसिक चीजें मिल पाएगी, ज्यादा कुछ नहीं है। तो पेट्रोल तो भाई फुल करा के लाने, दिल्ली से आ रहे हो कहीं से भी आ रहे हो पहले जयपुर वाले कट पे आ चुके हैं फिर भी। और ये ना भाई आगरा ही है भाई, अब उसके आगे जयपुर वाला है, पूरा जयपुर का जे जयपुर वाला कट। हाईवे नो डाउट बहुत जबरदस्त है लेकिन भाई गाड़ी चला चलाते ना बोर हो जाओगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ये ट्रक देखो। नॉर्मली क्या होता है जैसे जो राजस्थान वाले हाईवे पे आप जाओगे बहुत सारी गाड़ियां आपको दिखेगी तो आपका ना ब्रेक मारोगे, गाड़ी इधर उधर करोगे तो मतलब आपका ध्यान बटा रहेगा, माइंड डाइवर्ट है भाई। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सीधी चल रही है उस गाड़ी। देखो मैं मतलब ये लगा लो बस मेरे पास क्रूज कंट्रोल नहीं है, वरना मैं क्रूज कंट्रोल लगा के ना अपना 90-100 पे चला रहा होता, वरना मैं आपको दिखाता हूं ये कर रहा हूं। फिलहाल हम लोग टाइम पास के लिए भाई नेटफ्लिक्स देख रहे हैं यहां पे। नेटफ्लिक्स गुलाब गैंग्स गैंग गुलाब्स और गन्स पता नहीं क्या कुछ वो देख रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं। मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ और ये देखो मैं तो अपना 90-100 चल रही है गाड़ी। तो भाई रिकमेंडेड है कि पेट्रोल वेट्रोल सब लेके आना, अपना मनोरंजन का सामान लेके आना, जैसे आयुष लेके चल रहा है अपना कोल्ड ड्रिंक नमकीन लैपटॉप और बस यही है। तो कुछ भी नहीं है भाई मनोरंजन के लिए, कुछ भी नहीं है। और गाड़ियां भी दिखेगी आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्या हुआ? देखो जबरदस्त सीरीज देख लेना भाई, ना आगे गाड़ी है पर ना देखो पीछे गाड़ी है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात। ट्रक भी नहीं है, ट्रक भी है एटलीस्ट ये होता है ना कि ट्रक होते हैं, कुछ भी नहीं है। वो भाई लाइट बंद हो गई एकदम से भाई, देखो ये जो हाईवे है यहाँ से बंद है, अब हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है और ये है लालसोट और कोटून, कुछ पता नहीं क्या भाई कैसा कैसा नाम है ये, खतून। तो भाई ऐसा रह गया है और यहाँ पे जो है वो हाईवे आगे बंद है तो यहीं तक का हाईवे तो काफी आगे तक गया बट स्टिल इन्होंने हां बंद अभी स्टार्ट नहीं किया, वो यहीं तक का है। तो लेकिन अजमेर भी मिलने आ रहा फिर तो इस हिसाब से। और देखो कोई भी नहीं, सिर्फ एक गाड़ी अभी साइड से ना ले आएगा भाई, वहां भी वो लगा हुआ टोल, एक ही गाड़ी है बस और एक हमारी बोले टोल आ जा रहे हैं। बंदा ना बंदे की जात। हॉटलिस्ट हम सेक्सी है क्या? हॉटलिस्ट आरजे 34 भाई ये क्या सीन है ना, तो हम तो भाई नहीं निकलेगा एक्सल गया आगे से कट मिल जाएगा, आगे भी दिखा रहा भाई देखो ना ये सीएनजी की। अरे यहाँ जाना था मेरे को लग रहा ना, सीएनजी की चाह में हम निकले थे यहाँ पे और यहाँ पे सारा मामला गड़बड़ चक हो गया। ट्रक एक हो गया भाई, एक ट्रक दूसरे ट्रक से चक्सू नहीं, ये तो निकाल रही है जेसीबी बोला भाई, बोला वहां से ट्रक निकला है। सीएनजी पंप पे पहुंच गए भाई, लली सीएनजी है यहाँ पे, आप सीएनजी भरवाएंगे, बिल्कुल खाली हो चुकी है, पिछले पेट्रोल पे चला रहे कहीं और पेट्रोल के भी 2 पॉइंट नीचे गिर गए भाई। सीएनजी हो गए फुल और 9.5 किलो सीएनजी आई है, मैं बहुत खुश हो गया। और फिलहाल यहाँ पे आ गए हम होटल में खाना खाने, बहुत तेज भूख भी लग रही है, तुम लोगों को भी लग रही है? लग रही, मेरे को भी लग रही है। तुम लोग तो खाने के ऑर्डर खाते पीते जा रहे हैं ये लोग तो यार, बैग ही तो ऐसे बैठा है आराम से एयरप्लेन में जा रहा हूँ। लैपटॉप हाँ आपको ना लैपटॉप ना गिरा दो। चलो भाई खाना खा लेते हैं पहले फटाफट। भाई खाना खा लिया, सॉरी मैं पहले नहीं दिखा पाएगा, पनीर था, दाल थी, रोटी थी, सब कुछ खा दिया, सब कुछ खा गए। चलो दोबारा स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने जर्नी और फिर दोबारा से वही ना बंदा ना बंदे की जात। हालांकि इस रोड पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, आपको ट्रक्स वगैरह दिखेंगे बट लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल है वो सब नहीं दिखेगा। देखो सामने से भी ट्रक आ रहे हैं, जा भी ट्रक रहे हैं भाई। टाइम हो गया 2:21 और यहाँ रुके हैं अभी, कोटा आने वाला है जो आपने देखा होगा, कोटा फैक्ट्री जहाँ पे आईएएस आईपीएस मतलब आईआईटी वगैरह की वो करते हैं। लाल चाय पी लो तुम लोग, पीनी है तो
भाई बारिश चालू हो गई, टाइम जो हो रहा है वो हो गया 4:03 और अभी भी 4 घंटे दिखा रहा है। तो ढाई सौ किलोमीटर सुबह के 7:30 हो गए, मतलब 7:28 हो गए, लेकिन हम अभी तक नहीं पहुंचे और एमपी में आ गए। एमपी में तो एंटर कर गया ना, मैं सो गया था, मुझे नहीं पता। मैं तो अब उठाओ, सुंदर है, मैं पहली बार आया हूँ एमपी। ये तो नहीं, ये देखो कितना सुंदर है। बारिश हो रही है, गाड़ी चलाई है 300 किलोमीटर, बहुत ही बग्गे ने पूरी गाड़ी पूरी चलाई है बग्गे भाई ने, हमने तो चलाई नहीं, हम तो सोते हुए हैं पूरे रास्ते, बग्गे ने गाड़ी चलाई भाई पूरी ट्रिप में, कोई सोया पूरे जिसे नींद ली है वही बग्गा है। सीएनजी भरवाने रुके थे, सीएनजी दोबारा से भर गई है, हो गई है फुल, आप देखो ये रही। अब चल रहे हैं भाई, बहुत ही मस्त मौसम हो गया, एकदम बारिश हो रही है तगड़े तरीके से भाई। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन और मंदिर भी यहीं पास में महाकाल का, मात्र 3-4 मतलब जैसे पैदल है। तो फिलहाल हम लोग होटल देख रहे हैं, क्योंकि रात भर क्या, पूरे दिन से शाम से ड्राइव कर रहे हैं, रात भर ये लोग होटल देखने गए हैं, चेक करके आते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है भाई। सबसे पहले सो जाएंगे, शाम को करेंगे दर्शन। तो भाई फिलहाल हम लोगों ने रूम ले लिया है, गाड़ी खड़ी कर दी है नीचे पार्किंग में, मतलब नीचे पार्किंग खड़ी करने का, और वहां से दिख रहा मंदिर, वो देखो पूरा। ये ना पता चला मैं लोगों का पागल बना रहा हूँ, लोग बात बोल रहे हैं भाई ये थोड़ी है। और यहाँ पे एक सैंकी भाई की वजह से वेट कर रहे हैं, सैंकी भाई कर पापा लेके आए थे सैन फ्रांसिस्को से, सैन फ्रांसिस्को नहीं इटली से। फिलहाल एडिटिंग भी चल रही है, और बग्गा भी एक मेरा कॉम्पिटिटर है, एक और एडिटिंग करता है। और ये रूम जो है ये आयुष ने पसंद किया है, बहुत ही घटिया रूम, महा घटिया रूम है, 2500 में, इतना महंगे 2500 में, तो 2500 में तो तब बेहतरीन रूम हो जाता ना, कुछ कहने की बात नहीं। और जिसमें एसी भी लगा हुआ है देखो, 22 पे चल रहा है और खिड़की खुली है, अयाश लोग है ना हम तो। अरे बंद कर दो भाई एसी, बंद कर दो, वैसे ठंडा हो रहा है यार। ब्रेकफास्ट करने आधा घंटा हो गया, पता नहीं भाई क्या बना रहे हैं हमारे लिए। अच्छा ये पूरी लेके आया बंदा, कचौड़ी है यार वो, आलू पूरी बोला। नाश्ता आ गया हमारा, पूरी आलू की सब्जी और पूरी।